ये सूजी का फटाफट बनने वाला और बहुत कम तेल में, 2 बूंद तेल में बनकर तैयार होने वाला नाश्ता बनाया है। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी है, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, हम लोगों को ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं होता है, तो और हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना कोई इजी सा ऑप्शन मिल जाए, बहुत हल्के ऑयल का बना नाश्ता मिल जाए। तो चलिए ये नाश्ता हम आपके साथ शेयर करते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे बनाना। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। और इसके साथ हम आपके साथ 2 चटनियाँ भी शेयर कर रहे हैं। ये हमारी नारियल और रोस्टेड चने की सब्जी है, और ये हमारी नारियल रोस्टेड चने और पीनट की चटनी है। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं किचन में, वीडियो बनाना शुरू कर लेते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाकर तैयार करना है। चलते हैं किचन में। हेलो दोस्तों, आज हम उड़द की दाल और सूजी का बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत कम घी तेल का एकदम नया और आसान नाश्ता बनाने जा रहे हैं। इसके लिए ये मैंने आधी छोटी कटोरी उड़द दाल पहले से पीस कर तैयार कर ली है। हमने धुली दाल पीस कर तैयार करी, आप छिलके वाली दाल को भी धोकर पीस कर तैयार कर सकते हैं। ये हमने 1 कटोरी सूजी ली है और ये हमने दही लिया है। हम सूजी को दाल के पेस्ट में डाल देंगे। सूजी हमने पहले ही डाल दी है, अब हम इसके अंदर ये आधी कटोरी हम दही लेंगे, वो भी डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और सोक करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आगे हम आपके साथ को दिखाते हैं कि हम इसको किस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपने इसको सोक करने के लिए छोड़ेंगे, फिर आपको दिखा चटनी बनाने जा रहे हैं। ये हमने कस्तूरी लाल मिर्च सूखी हुई, थोड़े से गरी, रोस्टेड चना, चम्मच रोस्टेड मूंगफली के दाने, कुछ करी पत्ते, जीरा नमक डालकर इसको पीस कर तैयार कर ली। 1 चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये कस्तूरी लाल मिर्च की। और अब हम आपके साथ दूसरी चटनी, आज हम आपके साथ 2 चटनियाँ शेयर कर रहे हैं। आप इसको किसी भी इडली, डोसा, सांभर, स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बनाते हैं, चलते हैं दूसरी चटनी बनाने। ये हमने कच्चे नारियल के छोटे छोटे पीसेस करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर करी पत्ता ऐड करेंगे, नमक ना, हींग पाउडर, खड़ा जीरा। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच दही डालेंगे और ये 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इस चटनियों को आप कभी भी किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसके अंदर एक अच्छा सा छौंक लगाएंगे। ये देख लेते हैं इन चटनियों को कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं किचन में। और दोस्तों, आप इनको बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं। बेटर हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, इसके अंदर चौक लगाकर दोनों चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। कर देंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी सुंदर लग रही है। अब चलते हैं नाश्ता बनाने। इस नाश्ते के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तवे को ऑयल से ग्रीस कर बेटर डालेंगे और इसको पूरे तवे पर फैला देंगे। ऊपर के लेयर सूख गए, अब हम इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए हमारा चीला एक तरफ से सिक गया है, अब हम इसको दूसरी तरफ भी कुरकुरा सेक कर तैयार। चीला हमारा सिक गया, अब हम इसको प्लेट में एक ट्रांसफर कर लेंगे। एक हम आपको और बनाकर दिखाते हैं। एक कलछी बैटर लेंगे, उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, जितना मोटा पतला आप फैलाना चाहें वैसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये नाश्ता बहुत हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। ये देखिए आप इसको भी सेक लेंगे। ये देखिए, इसके साथ हमने गरी की और रोस्टेड
चने की सब चटनी बनाई है, और ये हमने गरी और रोस्टेड चना और पीनट मिलाकर चटनी बनाकर तैयार, डोसा एक बन गया था सूजी का डोसा, और अब हम दूसरा भी सिकने के लिए हमने छोड़ा था, अब हम इसको भी पलट देंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम दिखाते हैं आपको कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, हमारा सूजी का डोसा बनकर तैयार हो गया है। हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। चटनियों क्या वीडियो भी चटनियाँ भी हमने आपके साथ शेयर करी हैं, तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा। हम आपको इसका सॉफ्ट दिखाते हैं कि हमारा ये चीला कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आप भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।